बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, जो भी भाई यूबीएल अकाउंट यूज़ करता है तो उसकी इंटरनेट बैंकिंग को ज़रूर यूज़ करता होगा। तो आज की इस नई वीडियो में एक यूबीएल डिजिटल एप्लीकेशन की अपडेट जो है वो ज़बरदस्त अपडेट आई हुई है, ज़बरदस्त फीचर इसमें ऐड कर दिया गया है। जो भाई भी यूबीएल डिजिटल एप्लीकेशन यूबीएल इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करते हैं तो उसको जो उनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है, तो बहुत भाई जो अनएजुकेटेड हैं वो उसको समझ नहीं पाते। तो इसमें अभी नया फीचर जो है वो ऐड कर दिया गया, जिसके ज़रिए आप लोग ज़बान की तब्दीली कर सकते हो। उर्दू लैंग्वेज करके आप लोग यूबीएल डिजिटल एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर इसमें ऐड कर दिया गया है। बहुत ही आसानी होगी आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास यूबीएल का अकाउंट है तो आप लोग इंटरनेट बैंकिंग को रजिस्टर करके यूबीएल डिजिटल एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, और उसकी लैंग्वेज जो है आप लोग उर्दू ज़बान में करके उसके जो भी फीचर्स हैं आप लोग उर्दू में रीड कर सकते हो, ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को तरीक़ेकार बताऊंगा लैंग्वेज कैसे चेंज करनी होगी और उसमें उर्दू लैंग्वेज में कैसे फीचर आएंगे, कौन कौन से ऑप्शन आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप भाइयों तक पहुंच सके। दोस्तों, यहाँ पे मैंने यूबीएल डिजिटल एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाऊँगा। जिन भाइयों का भी रोशन डिजिटल अकाउंट यूबीएल में है तो यूबीएल डिजिटल एप्लीकेशन को आप लोग ज़रूर यूज़ करें। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपने यूबीएल अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ, और ये तो ऑप्शंस आप लोगों को मालूम होगा अगर आप लोगों ने कभी इंटरनेट बैंकिंग यूज़ किया होगा यूबीएल डिजिटल एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं लैंग्वेज चेंज करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी ऑप्शन हैं वो बिल्कुल जो है आप लोगों को दिखाई देंगे, तो ये सब इंग्लिश में है। ठीक है, हमको क्या करना होगा, सिर्फ लैंग्वेज जो है वो चेंज करना होगा। तो आप लोगों ने ऊपर यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा, प्रोफाइल पे। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सेटिंग्स लिखा हुआ है। ठीक है, सेटिंग्स पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे अभी हम दूसरे पेज में आ चुके हैं। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो, ये सब ऑप्शन इंग्लिश में है। यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल नीचे आ लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो आखिर में लैंग्वेज लिखा हुआ है। यहाँ पे लैंग्वेज पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे जो मेरा लैंग्वेज सेलेक्ट है डिफ़ॉल्ट वो है इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने इस पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो उर्दू ज़बान आ चुकी है। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज जो है आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं उर्दू में कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा अभी जो भी ऑप्शंस हैं वो उर्दू में आ चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे फेवरेट्स है, पेमेंट्स है, अकाउंट्स है। मैं अकाउंट्स पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ड मैनेजमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट, यानी कि बहुत ही अभी ये ज़बरदस्त है। जो भाई भी अनएजुकेटेड है, इंग्लिश जिनको कम आती है या बिल्कुल नहीं आती, तो उर्दू तो आती होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये उर्दू में आप लोग अपने अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, इसकी ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो, और कार्ड मैनेजमेंट कर सकते हो। जो भी ऑप्शन हैं आप लोग यहाँ पर उर्दू में कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी इसमें सेटिंग आ चुकी है। आप भी इसको ट्राई करें और इसको यूज़ करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।